अगर लता मंगेशकर जी इस दुनिया को छोड़ कर गई हैं, तो पीछे छोड़ कर गई हैं बहुत से अधूरे सपनों को भी, जिसमें से उनका एक ड्रीम तो होता नजर आ रहा है फुलफिल। दरअसल नाइटिंगेल ऑफ इंडिया चाहती थी कि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के एजेड एंड रिटायर्ड एक्टर्स के लिए एक ओल्ड एज होम बिल्ड किया जाए, और उनके गुजरने के ऑलमोस्ट 3 मंथ्स के बाद उनकी फैमिली ने डिसीजन लिया है उनके इस ड्रीम को पूरा करने का। 6 फरवरी को इस दुनिया को छोड़ कर गई क्वीन ऑफ मेलेडी ने गुजरने से पहले कुछ बातें शेयर की थी मीडिया पर्सन्स के साथ, जहां उन्होंने कहा था, इट इज सच अ जॉय, ब्लेसिंग एंड कंफर्ट टू हैव वंस फैमिली विद यू इन ओल्ड एज, बट व्हाट अबाउट दोस हु आर ओल्ड अलोन इन देयर ट्वाइलाइट इयर्स। शी एडेड, माय हार्ट रीचेस आउट टू द वेटरन्स ऑफ आवर फिल्म इंडस्ट्री हु हैव डाइड अलोन। और उसके बाद जो बात लता जी ने कह डाली वो शायद किसी की हिम्मत ना होती कहने की। लता जी ने कहा कि मैंने सुना है ललिता पवार जी और अर्चना सचदेव जी, जो इतने महान कलाकार थे, उनके साथ कोई भी नहीं था। कितने शर्म और दुख की बात है। लता जी की इस बात से साफ जाहिर हो जाता है कि वो यूं ही इतनी बड़ी कलाकार नहीं थी। उन्होंने अगर अपनी आवाज से सभी को लुभाया था, तो वहीं अपनी सोच से सभी के दिल को भी छुआ था। वैसे आपको बता दे, लता जी ने जिनका यहाँ जिक्र किया, यानी पवार जी और सचदेव जी, तो ललिता पवार जी गुजरी ईयर 1998 में पुणे में व्हेन शी वाज 81 इयर्स ओल्ड, और वहीं अचला सचदेव जी इस दुनिया को छोड़कर गई ईयर 2012 में, जब वो 91 इयर्स की थी। और अब सोर्सेस की माने तो लता जी का ये सपना जल्द ही पूरा होता नजर आएगा, जहां ओल्ड एंड अबंडेंट इंडस्ट्री सेलिब्रिटीज के लिए एक वृद्ध आश्रम प्रिपेयर किया जाएगा, जिसके लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने लता जी की फैमिली को ऑलरेडी लैंड अलॉट कर दी है थाने में। वेल, वी आर क्वाइट हैप्पी विद दिस न्यूज एंड होप लता जी विल ऑल्सो बी हैप्पी फ्रॉम अप देयर। फॉर मोर बॉलीवुड न्यूज, स्टे ट्यून्ड टू बूगल बॉलीवुड।